नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हिंदी कक्षा में। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी इस विषय में कि अभी तक हमने अपना पाठ्य पुस्तक सिलेबस जो है पूरा किया था, और आप लोगों ने वीडियोज भी देखी जिसमें हमने नया सम्मिलित पाठ धूल पूरा किया, धर्म की आड़ पूरा किया, और उससे पहले आपको काफी सिलेबस जो है पूरा करवाया जा चुका था। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा की आत्मा व्याकरण। बेटे, किसी भी भाषा की आत्मा उसकी व्याकरण को माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 9 की व्याकरण भाग। व्याकरण भाग के अंतर्गत हम बात करेंगे विषय शब्द और पद। शब्द से पहले मैं आपको एक सामान्य ज्ञान देना चाहूंगी कि शब्द किसी भी वर्ण से मिलकर बना होता है। वर्ण मतलब मुंह से निकली ध्वनि या कानों से सुनी गई ध्वनि। वर्ण एक स्वतंत्र अक्षर जिसको कहते हैं हम, माना जाता है, स्वतंत्र होता है, वह किसी पद में बंधा नहीं होता। वर्ण हमेशा स्वतंत्र होते हैं, और वर्णों के सार्थक शब्द समूह को उसे हम शब्द कहा जाता है। अब हम बात करेंगे शब्द किसे कहते हैं। आपके पाठ्यक्रम में नया आया है, हम बात करेंगे शब्द। शब्द दो या दो से अधिक सार्थक वर्ण समूह, ध्यान दे जरा, वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। हम बात करेंगे, यहाँ वर्ण मेरे पास है र, त, न, रतन। अब इन तीनों वर्णों को जोड़कर शब्द बना मेरे पास रतन। तो यह एक सार्थक शब्द मेरे पास बन गया है, क्योंकि इसका एक मतलब निकलता है। ऐसे ही मैंने तीन वर्ण यहाँ जोड़े हैं, न, त, र, नतर। तो नतर का कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए यह शब्द का निरार्थक भाग है, इसे हम शब्द पूर्ण नहीं कहेंगे। इसी प्रकार च, म, न, चमन, तीन वर्णों का जोड़ है, यह एक शब्द है चमन। और न, म, च, न, म, च, अब ये अलग अलग वर्णों के साथ है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात ये एक निरार्थक शब्द है। कमल, कमल। अब कमल को अगर हम देखें तो ये तीन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, इसी प्रकार ये चार वर्णों से मिलकर भी बना हो सकता है, इसमें कुछ मात्राएं भी ऐड की जा सकती हैं। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। तो अब इसी प्रकार हम बात करेंगे, कुछ ध्यान में देने वाली बातें होती हैं, जैसे कि जो वर्ण है वह स्वतंत्र ध्वनि है, और सार्थक वर्णों के मेल को ही हम शब्द कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पद किसे कहते हैं। हमने पढ़ा शब्द, शब्द के बाद हम पढ़ेंगे पद। पद शब्दों से ही मिलकर बना होता है, किसी वाक्य में प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए हुए सार्थक शब्द समूहों के मेल को, सार्थक शब्द समूह के मेल को पद कहा जाता है। शब्द और पद व्याकरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे समझने के लिए अगर हम इसके अंतर पर ध्यान दें तो कुछ इस प्रकार होगा। ध्यान देने के बात यह होती है कि पदों में जो पद होते हैं उसमें लिंग, वचन, कारक आदि का बंधन होता है, जबकि शब्द एक सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि होती है। अब इनका अंतर हम यहाँ देखेंगे एक वाक्य से कि राम मोहन का भाई है। राम और मोहन शब्दों का सार्थक मेल है, लेकिन जब इसके साथ में पूरा वाक्य हम का भाई है, इस का शब्द मतलब कारक, एक संबंध जब इसमें जोड़ दिया गया कारक के प्रयोग से, यह पूरा शब्द बनके एक वाक्य बन गया। जैसे यहाँ पर पद में यह परिवर्तित हो गया, का के मेल से यह पद बन गया। तो हम ध्यान देंगे हर एक शब्द अपने आप में एक पद भी होता है, और पद के अंदर जिस प्रकार हम कक्षा 7वीं 8वीं में करते आए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सभी इसमें जुड़े आते हैं। तो इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में है शब्द और पद में अंतर। यहाँ पे आपको प्रश्न आएंगे शब्द किसे कहते हैं, आप इसका उत्तर देंगे, साथ में एक उदाहरण देंगे। आपको पूछा जाएगा पद किसे कहा जाता है, आप उसका उत्तर देंगे, साथ में एक उदाहरण देंगे। इस प्रकार आपका यह जो मुख्य बिंदु है शब्द और पद, दो अंक का आपको आएगा बोर्ड के पाठ्यक्रम अनुसार, दो अंक का आता है शब्द और पद। पहले ये एक नंबर का आया करता था, अब ये दो नंबर का कर दिया है, जिसमें दो प्रकार की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं और इनका अंतर जो है पूछा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह शब्द और पद व्याकरण का एक भाग समझ आया होगा। और बेटा मेरी बात सुनिए, किसी भी चीज को समझने के लिए उसके लिए हमें एकाग्रचित होना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि अब हमने
ठीक है, हम घर बैठे हैं, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, आपके साथ हमारा सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी अपने साथ अध्यापक को जोड़िए, अपने साथ किताबों को जोड़िए और अपने समय को घर में रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए अपने परिवार के साथ सुखद व्यतीत कीजिए। धन्यवाद।